मरकुस रचित सुसमाचार 14वां अध्याय। दो दिन के बाद फसह और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे क्यों कर छल से पकड़कर मार डालें, परंतु कहते थे कि पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मचे। जब वे बैतनिया में शमौन कौड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यनाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था, और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। तब यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, महायाजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपये देना स्वीकार किया और यह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किस प्रकार पकड़वा दे। अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहां चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से दो को यह कहकर भेजा कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहां है। वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। सो चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह बारहों के साथ आया, और जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूं? उसने उनसे कहा, वह बारहों में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। और जब वे खा ही रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज में नया न पीऊं। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही इसी रात को मुर्गे के दो बार बांग देने से पहले तू तीन बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार कभी न करूंगा। इसी प्रकार और सबने भी कहा। फिर वे गतसमने नाम एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहां बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा।
और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हूं, तुम यहां ठहरो और जागते रहो। और वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और वह फिर चला गया और वही बात कहकर प्रार्थना की, और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। वह यह कही रहा था कि यहूदा, जो बारहों में से था, अपने साथ महायाजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए तुरंत आ पहुंची। और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यतन से ले जाना। और वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रबी, और उसको बहुत चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मेरे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था, और तब तुमने मुझे न पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हों। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए, और एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया, और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए, और सब महायाजक और पुरनिये और शास्त्री उसके यहां इकट्ठे हो गए। पतरस दूर ही दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। महायाजक और सारी महासभा यीशु के मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर न मिली, क्योंकि बहुतेरे उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी न थी। तब कितनों ने उठकर उस पर यह झूठी गवाही दी कि हमने इसे यह कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और तीन दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से न बना हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी न निकली। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा कि तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, हां, मैं हूं। और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, यह वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांपने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे कि भविष्यद्वाणी कर, और प्यादों ने उसे लेकर थप्पड़ मारे। जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की लौंडियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देखकर उस पर टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा कि मैं तो नहीं जानता और नहीं समझता कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर देवड़ी में गया और मुर्गे ने बांग दी। वह लौंडी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी,
यह उनमें से एक है, परंतु वह फिर मुकर गया, और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई कि मुर्ग के दो बार बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा